ब्रो ये तू ना सबसे पहले ना मुझे सिडनी ओपरा हाउस जा लेके जा, मैं वहाँ पे जाके सजदा करूँ। माहौल है यहाँ पे, आगा जूस भी दे रही है। अच्छा आगा जूस भी दे रही है फुल, मैंने कहा देसी माहौल है और आगा जूस मुझे याद आ गया। हाँ ये रहा, अरे वो सामने, ओह भाई आगा जूस मैंने लास्ट टाइम पिया था मेरा ख्याल है 2020 में। ये आ गया हमारा बैग। तो भाई दोस्तों क्या हाल है, हम लोग जा रहे हैं फाइनली सिडनी। अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, इतनी एक्साइटमेंट है, उसकी रीज़न ये है कि सिडनी से जो मेरा ताल्लुक है ना वो है बहुत पुराना, 2016 से 2020 तक, और वो जो सफ़र है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो इसलिए मुझे एक्साइटमेंट है कि आज मैं सिडनी दोबारा वापस जा रहा हूँ 4 साल के बाद। लाइक स्टूडेंट लाइफ में मैं आया था एलिस स्प्रिंग्स नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर, और अब मैं वापस सिडनी जा रहा हूँ कुछ अचीव करके, पक्के होके, और वो फीलिंग ही डिफरेंट है। वो जो मेरे अंदर की कैफियत है वो ही डिफरेंट है, वो इस चीज़ की एक्साइटमेंट है। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं आज सिडनी के लिए, और आज हम सिडनी पहुंचेंगे और इंशाल्लाह सिडनी से आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो भाई सिडनी में मज़े मज़े के खाने, किंग्स ऑन इंस्टीट्यूट जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उनके साथ कोलैब, और जितने भी दोस्त हैं पुराने उनसे करेंगे मुलाकात, पाकिस्तानी खाने, इंडियन खाने, सारे रेस्टोरेंट्स हम करेंगे इंजॉय और अपने टाइम को करेंगे यूटिलाइज। तो अगर आप इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर आप सिडनी में रह रहे हैं तो भाई मुझे DM करें, हम आपसे करेंगे मुलाकात। तो अभी चलते हैं। अच्छा जब भी हम लोग, अच्छा मैंने चेक इन अभी कर लिया, एक बैग मेरे पास है और एक बैग जो है वो मैंने सबमिट करवा दिया। अच्छा जब भी हम लोग ट्रैवलिंग करने लगते हैं ना तो एक अलग सी फीलिंग आती है, स्पेशली अब मुझे ऐसे फील है जैसे मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ मैं सिडनी रहा हूँ, और सिडनी की फीलिंग ही डिफरेंट है क्योंकि वहीं पे पढ़े, तो इसलिए जो है ना वहाँ की फीलिंग ही डिफरेंट होती है। अच्छा जी जब मैं लास्ट टाइम भी जाने लगा था ना तो मैं इधर ही बैठा था, और आज भी इधर बैठ के कॉफ़ी शॉप्स के कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी बल्कि मैं पी के आया हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा कॉफ़ी की अभी तलब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन सिडनी चल के पुरानी यादें ताज़ा होंगी और वहीं पे आपसे मुलाकात करेंगे। तो भाई चलें चलते हैं, फ़्लाइट थोड़ी देर में है, तकरीबन अभी आधा घंटा है मेरी फ़्लाइट में, तो तब तक इधर ही हैं, देखते हैं। अच्छा मैं पहले ना एक चीज़ सोचा करता था जब मैं नया नया ऑस्ट्रेलिया में आया था ना कि यार ये लोग गोरे कितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बोरी बिस्तरा उठाया, पैक किए थे, निकल गए। अब जाके इन चीज़ों की समझ आई है कि बेसिकली यहाँ पे फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अब एलिस स्प्रिंग्स से सिडनी की फ़्लाइट काफ़ी महंगी है, जो कि मुझे $700 में पड़ी है, लेकिन नॉर्मली सिडनी से मेलबर्न, सिडनी से ब्रिस्बेन वो 300-400-500 के अंदर अंदर, 500 के अंदर अंदर आपको जो है ना वो फ़्लाइट्स आराम से मिल जाती हैं, और इतने डॉलर तो आप एक शिफ्ट कमा के, शिफ्ट लगा के कमा सकते हो वीकेंड पे, या वीकडे वीकेंड पे सिक्योरिटी की शिफ्ट लगाओ $400 की शिफ्ट होती है। अब इन चीज़ों की समझ आई, मैं तब सोचता यार गोरे कितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, अब पता चला है कैसे करते हैं। भाई हाई इनकम है, टेंशन ही कोई नहीं। खैर सिडनी चल के मिलते हैं अब आपसे, ये अपना जहाज आ गया है, ये बेबी हमें लेके जाएगी अब। तो भाई सिडनी आ चुके हैं, और सिडनी पहुंच के ना हमें यहाँ के टेम्परेचर का आइडिया हो गया। शो यू, मैं निकला था जब वहाँ से, वहाँ पे टेम्परेचर था 25, यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है 14। अपना बैग क्लेम पहले पकड़ ले। ओके मेरा ख्याल है नंबर 7 उसने बोला था, मेलबर्न पैकेज, मेलबर्न मेरा ख्याल वहाँ पे है अपना। तो भाई यहाँ की सर्दी ने बता दिया, सिडनी की याद आ गई है, मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं नया नया ऑस्ट्रेलिया पहुँचा था 2016 में, डरा हुआ सहमा हुआ एक लड़का। और आज मैं 15 मिनट की पार्किंग मिलती है फ्री, तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को पिक कर सकते हो,
अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे तो समझ नहीं आ रही। इवन दो मैं जब ऊबर करता था मैं यहाँ से कस्टमर पिक करने आया करता था, अबे सब भूल। ब्रो ये तू ना सबसे पहले ना मुझे सिडनी ओपरा हाउस जा लेके जा, मैं वहाँ पे जाके सजदा करूँ। मजाक कर रहा हूँ। चल कुछ खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है यार। क्या खाएगा भाई? भाभी को बोलूं कुछ बनवा ले। भाई 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 घर वाले आ रहे हैं पिक करने, उसकी ना टेंशन ले। हाँ? वो कजन आ रहा है सिस्टर के साथ, चलते हैं हम लोग। भाई तू अब ना ये अपने जनाब साहब से मिले हैं कितने साल बाद बताइए जरा। तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गया। अरे जब मैं सिडनी में नया नया आया था ना, मुझे जॉब चाहिए थी, तो ये बंदा मुझे जॉब सर्चिंग में हेल्प करता होता था लिटरली यार। कराची से इसका नाम जमील है, बड़ा अच्छा बंदा है यार। तो तब ये बंदा मुझे जॉब ढूंढने में हेल्प आउट करता था, और अब देखो यार 5 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। अब मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ओपरा हाउस ले जा, मैंने ओपरा हाउस की ना महान धरती को सजदा करना है। अबे लिटरली यार क्या दिन थे वो। अबे यार यकीन कर किस इवन डोमेस्टिक है, मुझे वो फीलिंग आ रही है जब मैं नया नया सिडनी एयरपोर्ट उतरा था 2016 में। सही सही सही, पता है वो एक मतलब 4.5 साल बाद आ रहा हूँ मैं सिडनी। इमेजिन ये देख रहा है ये सारा रास्ता नया। और यार यकीन कर ये सारी चीजें बदल गई हैं, हर चीज चेंज हो गई है भाई। सिडनी टोटली बदल चुका है। मतलब यहाँ पे मैं ऊबर चलाया करता था, एक एक रोड मेरे माइंड में था, लिटरली एक एक रोड। अब हर चीज बदल गई है यार यहाँ पे। तो आइकिया तो मुझे याद है, लेकिन यार एवरीथिंग चेंज। बट अभी भाई पेड़ पूजा करते हैं, चलते हैं मैं वो मैरीलैंड के कबाबुल तलुजा, वो पठानों के कबाब खाते हैं जल के रोटी के साथ। वो भाई बड़ी भूख लगी है लिटरली। क्योंकि लो भाई सबसे पहले हम लोग आ गए हैं मैरीलैंड में, और मैरीलैंड की जो है ना कबाबुल तलुजा, किधर चलते हैं? चल इधर से चलते हैं। रोहित साहब कैसी है कबाबुल तलुजा ये बता, हम जा किधर रहे हैं भाई? कबाबुल तलुजा मैं जाता था जब कॉलेज के दिन में थे ना, तो मैरीलैंड एक दोस्त रहता था नूर, उसको मैं मिलने आता था, और हम लोग कबाबुल तलुजा जो है ना जाके फूड शूड खाया करते थे। तो आज वहीं पे चलते हैं और वहाँ की फूड ट्राई करते हैं। लेट्स गो यार, ये माहौल है यहाँ पे। आगा जूस भी दे रही है। अच्छा आगा जूस भी दे रही है फुल, मैंने कहा देसी माहौल है, और आगा जूस मुझे याद आ गया। हाँ ये रहा, अरे वो सामने। ओह भाई आगा जूस मैंने लास्ट टाइम पिया था, मेरा ख्याल है 2020 में। ये रहा आगा जूस, पक्सन मैंगोज की तरह भाई लेके जा रहा। हाँ रखे होते हैं तो भाई पाकिस्तानी मैंगोज भी लगे हैं यहाँ पे। मैं यार माहौल तो इधर है यार तुम लोगों का, हम लोग तो हैं, हम लोग $50-55 का दे रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान से महंगे आते हैं ना। उससे ही कबाबुल तलुजा में ओ मैरी यार, मुझे बड़ी तलब इन चीज़ों की, और आते ही हम लोग पहुँच गए कबाबुल तलुजा। ओ प्लेट है तेरे पास? हाँ थोड़ी एक काउंटर आ रही है पकड़ भाई, हमें तलब हो रही थी इसकी। ओहो और ये हम लोग खाया करते थे जब मैं सिडनी होता था ना, जब स्टूडेंट लाइफ में था तब हम लोग ये खाते थे। ज़रा ये शॉप भी खाएंगे, शॉप का एक ज़रा नज़ारा भी था। ओहो क्या बात भाई, हम ले रहे हैं अपनी ताज़ी रोटी की फर्स्ट बाइट विद कबाबुल तलुजा। भाई रायता तो लिया ही नहीं, दे ना ज़रा एक वो कोली छोटी है। चम्मच थोड़ा साफ सा नहीं है भाई, मैं कर लेता हूँ, हाइजीन का प्रॉब्लम है। हाँ ये ला जरा भाई, भाई तलब हो रही थी देसी फूड की। देसी तो नहीं क्या, अफगानी कह सकते हैं? हाँ भाई अफगानी फूड की ये। वही जायका। हाँ तो भाई सिडनी और मैरीलैंड की गलियों से घूमते हुए हम लोग आ गए हैं, खाना शाना खा के। इन भाई साहब की जो ना खुराक रहती थी ये पूरी कर रहे हैं। और हम लोग खाना खा लिए, एंड आई विल सी नेक्स्ट वीडियो। तब तक टिल एंड विल सी इन सिडनी। अल्लाह हाफिज़।